Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. और भाई यहाँ पे ड्रोन क्रैश हो चुका है, ये देखो भाई, ये 1,00,000 रुपए गया, क्रैश हो गया पूरा का पूरा ड्रोन भाई एक शॉट के चक्कर में। तो कैसे भी आप टाइम देख सकते हो, रात के भाई 10:30 बज चुके हैं। बट जस्ट अ क्विक अपडेट, पहले तो भाई आप लोगों को मैं सॉरी बोलूंगा, माफी चाहता हूँ, क्योंकि राइड जो हमारा आज स्टार्ट होने वाला था 11th को, इसको हम लोग बस एक दिन एक्सटेंड कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, वो आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में जरूर बताएंगे। तो हम लोग राइड कर रहे हैं स्टार्ट कल, मतलब संडे को भाई सुबह 7 बजे हम लोग राइड स्टार्ट कर देंगे। एंड भाई 12 तारीख संडे, डेट याद रखना 12 मार्च। और जिन किने को भी मिलना है आप लोग फ्लैग ऑफ करने आ सकते हो शाम ऑटो एसेसरीज मॉर्निंग 7 AM। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन मैंने सोच रखा था कि पहले से एक ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट करके रखूंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो भाई हमें और कैरी करना चाहिए अपने राइड पे। मैंने बोला था एक और ब्लॉग आएगा, मतलब राइड स्टार्ट करने से पहले। तो फिलहाल अभी हम लोग चले श्याम ऑटो एसेसरीज, वहां से हमें बहुत सारी चीज खरीदते हैं अपने बाइक के लिए, एंड साथ ही साथ लाइक चेन का केयर वगैरह करने के लिए, चेन लूप, चेन क्लीनर, ये सब, क्योंकि ड्यूरिंग राइड्स ना इट्स नॉट पॉसिबल भाई, आपको खुद से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, एंड गैराज ढूंढकर ये सब करवाना काफी ज्यादा मुश्किल वाला चीज होता है। तो जो भी अभी बेसिक नीड्स है बाइक से रिलेटेड, एंड हमें खुद के लिए बालाक्लावा एंड ऑल वगैरह भी खरीदना, तो वो सब भी अभी चल के देखते हैं। बाकी कुछ और पसंद आ गया तो वहां पे चल के देखते हैं, वो भी ले लेंगे। तो फिलहाल गाइस बिना लेट किए अभी चलते हैं सीधा अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा हमें गॉडजिला को। एंड एक और चीज हमने सोचा, बाइक पे अगर हो सके तो कुछ एक स्टिकर वगैरह भी लगवा ले पटना टू असम राइड का, इफ पॉसिबल, अगर हो पाए तो, नहीं हो पाए तो फिर देखते हैं भाई क्या करना है। तो जल्दी से बिना लेट के गाइस मिलते हैं आप लोगों से गोप्रो पे, एंड बाकी की बातें करेंगे ऑन। फाइनली अपन लेके निकल चुके हैं बाइक को, एंड देखो मैं एक बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा था अभी फिलहाल। सबसे मेन चीज ये है कि अभी जो अपने रिसेंट वीडियोस देखे होंगे सारे मैंने 4K में अपलोड किए थे, बट द थिंग इज कि ड्यूरिंग राइड ना इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वीडियो 4K में अपलोड कर पाऊँ। तो मोस्ट प्रोबेबली HD क्वालिटी, मतलब 1080p में ही अपलोड करूंगा, 1080p में ही शूट करूंगा। तो थोड़ा सा भाई क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो जब हम लोग 4K वीडियो अपलोड करते हैं ना तो वो 10 से 12 GB का हो जाता है, एंड ब्लॉग के तो भाई मे बी और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया तो आप सबको पता है भाई वीडियो की जो साइज़ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल हम लोग यही सोच रखे हैं भाई 1080p पे अपलोड करेंगे। बाकी यार आप लोग भाई प्यार बस बरसाते रहो। फिलहाल अपनी बाइक एग्जैक्ट 8200 किलोमीटर चल चुकी है, एंड अभी सीधा हम लोग चल रहे हैं श्याम ऑटो एसेसरीज। वैसे इस मिरर के एक और सबसे बड़े फ़ायदे जो कि भाई मुझे फील होते हैं एक्चुअली में, कि मैं जब गोप्रो स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मेरी गोप्रो चल रही है फिर नहीं, एंड साथ ही साथ देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रही है रेड रेड, एंड साथ ही साथ ये मुझे भाई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने देगी कि कोई शॉट मिस हो गया या फिर कहीं पे गोप्रो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, एंड पता चला मैं पूरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गोप्रो स्टार्ट ही नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे ना एक बार आप जो चीज़ मिस कर दोगे ना वो चीज़ दोबारा आप वहाँ जाके शूट नहीं कर सकते हो। समझ सकते हो भाई काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है, 500-600 किलोमीटर का एक दिन में राइड हमें करना है, तो दोबारा से फिर वहाँ जाके अपन पॉसिबल नहीं है कि जाके वही चीज़ शूट कर पाए। रास्ते में कुछ भी अच्छा चीज़ दिख सकता है ना, आप लोग को हम लोग दिखाएंगे भी, वैसा कुछ भी सिनेरियो हुआ या फिर कोई वैसा व्यू हुआ या फिर कुछ यूनिक चीज़, जैसे भाई आपको पता है कहीं कहीं पर कोई कोई चीज़ कुछ स्पेशल होता है किसी किसी जगह पे, तो वो सब चीज़ें आपको कवर अप कराएंगे। तो फिलहाल चलते जल्दी से श्याम ऑटो एसेसरीज। एंड एक चीज़ मुझे और बताना था, आप लोगों ने भाई असम से इतने ज़्यादा कमेंट किए, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। आई लव यू ऑल भाई, जितने भी असम के जनता हो भाई, मैंने इतना ज़्यादा आप लोग से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना सपोर्ट अभी से ही दिखाना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो अपन राइड के लिए निकले भी नहीं है, वहाँ पहुँचते के साथ भाई आप लोग का प्यार बस बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो जल्दी से भाई पहुँचते श्याम ऑटो, एंड फिर वहीं पर मिलता गाइस आप लोगों से। बाइक पे मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ करवाने का, फिलहाल देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद क्या समझ में आएगा क्या नहीं, तो वहाँ पहुँचने के बाद ही वो चीज़ पता चलेगा बाइक पे हमें कुछ कराना है एंड क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे खरीदना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं श्याम ऑटो एसेसरीज, एंड ये रहा भाई, लाइक कमेंट ठोक दीजिए, भागा किस पर एकदम ठोक बटन एकदम फोड़ देना भाई। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो ये रहा भाई, दोनों हेलमेट इसमें लगवाना है V6, मतलब हम लोग लगवा ले रहे क्योंकि भाई राइड के टाइम ना हम लोग इंटरकनेक्टेड रहे इंटरकॉम के थ्रू। बता देंगे इसकी अभी हमें सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो लेनी है वो है भाई चेन लूप, चेन क्लीनर, बालाक्लावा और क्या भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी की भी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा तो हम तीनों बात कर सकते हैं। लेकिन भाई इस चीज के लिए अभिषेक के पास इतनी है ना भाई, पता नहीं कब किसका कॉल आ जाए, ये हमें नहीं पता। तो फिलहाल अभी इस पिटारे से हम एक चीज निकालने वाले जो हम अभिषेक के लिए लाए, एक छोटा सा, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसमें गलत चीज है, इसको खोलो।
तो इसमें से एक छोटा सा तोहफा है भाई जो इसके लिए। अरे भाई आपको याद था यार। तो इस राइड पे भाई इसके लिए हमने ये तोहफा इसे दिया है, फिलहाल ये यूज करने वाला है। गोप्रो विथ माइक अडेप्टर के साथ, वो हटवा लो कोई दिक्कत नहीं, तुम लगा लो। ये लो भाई और भी तोहफा, ये रहा चार्जिंग हब, ये दो बैटरी, और बैटरी चाहिए तुम्हें, ये लो, ये देखो ये पिटारा, ये चार बैटरी के साथ, और यहाँ पे भाई गोप्रो, और यहाँ पे भाई चार्जिंग हब। तो फिलहाल ये हो गया सारा कुछ इसका, आज से मतलब जब तक राइड रहेगा तब तक के लिए परमानेंट। तो जल्दी से पहले देखते हैं भाई, हमने चेन क्लीनर, चेन लूप सब कुछ ऊपर से भाई अमोश पे मंगवा रहे हैं। ऊपर से मतलब क्या, आप समझ लो भाई ऊपर से, इसके ऊपर भी एक शॉप है जो आप लोगों को भाई कभी कभी दिखता होगा वीडियोस में, तो वहां से आ रहा है। तब तक के लिए भाई हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, बाकी थोड़ा बातचीत करेंगे। और उमेश भाई क्या बोलना चाहेंगे इस बार इस राइड के लिए? आप नहीं जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी जाना चाहिए था। टाइम का कमी है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई किधर गया डब्बा, इस डब्बे में है पिटारा, पिटारे के अंदर क्या क्या चीज है ये देख सकते हो भाई। यहाँ पे हमारे पास है 66 BHP का, ये क्या है भाई, चेन ल्यूब, काफी अच्छा है। चेन क्लीनर भी है ना, ये रहा भाई चेन क्लीनर, ये रहा भाई चेन क्लीनर, इससे हम लोग ना भाई चेन क्लीन के साथ साथ ब्रेक क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये और छाती का बाल भी क्लीन होगा। नहीं वो तुम्हारे लिए, उसका प्रमोशन बाद में कर लेना, ये प्रमोशन के चक्कर में रहता है एनी टाइम। यहाँ पे भाई देखो कार्बनाडो का आया है टर्टल बैकपैक, ये बैकपैक भाई मुझे भी चाहिए। अब इसको खोलो जल्दी से, ये पिटारा खोलो, पिटारे के अंदर है कार्बनाडो का बैकपैक। तो ये बैकपैक मैं लेके जा रहा हूँ, एक बैकपैक ये ले लेगा और ये बैकपैक मैं ले लूंगा, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी, तुम्हें क्या मिलेगा, हम तो हम जेब में रख लेंगे, जेब में रख, इतना बड़ा पॉकेट क्यों रखा है भाई। तो ये बैकपैक मैं लेने वाला हूँ फिलहाल, तो भाई ये काफी अच्छा लग रहा है, इसको अपन रिप्लेस करके ये वाला ले जाएंगे। इंटरकॉम तो लगा दिया, बट ये देख सकते हो इंटरकॉम भाई दो कनेक्ट हो चुका है, इसका और इसका, बट मेरे वाले में थोड़ा पता नहीं पंगा आ रहा है कनेक्ट होने में, देखते हैं अगर हो जाए तो अच्छा है, वरना भाई फिर इसको रिप्लेस करके फिर इसमें दूसरा लगाएंगे। नहीं होगा ऐसा, थोड़ी नहीं होगा, कैसा होगा, जैसे भी होगा। चलो ठीक है ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। इसमें आप दिख रहे हैं ना, ये वाला कैमरा लगवा लीजिए, माइक वाइक सब है। अच्छा आप लोगों को कोई दिखेगा किसी से नंबर आ गया, हेलमेट नहीं है तो क्या अंदर कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना। बाइकर्स गाइस देख रहे हो कैसे ये दिया जा रहा है, चलो बता रहे हैं 1,00,000 व्यू और 10,000 लाइक। हां 7,00,000 सब्सक्राइबर, 1,00,000 लाइक मांगिए, ज्यादा जितना दे सको भाई दिल से दे देना। गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमने पटना टू असम का यहाँ पे स्टीकर लगवाया है, एंड भाई कनेक्ट का तो समझ में नहीं आ रहा, होगा नहीं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से गाइस। गाइस आई होप ये सारा कुछ जो सेटअप अभी हमने किया भाई आप लोग को सही से लग रहा हो, बाकी देखते हैं भाई अपकमिंग राइड के डेज में भाई क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है वो हमें नहीं पता। फिलहाल बाकी जो भी नेसेसरी चीज़ें, चेन क्लीनर, चेन ल्यूब वगैरह, बालाक्लावा एंड ऑल, जो भी हमें अभी फिलहाल लेना था वो सब तो हमने ले लिया है। बाइक पे स्टिकरिंग वगैरह हमने करा दिया, वो आगे मडगार्ड पे हमने इसलिए लिखवाया ना तो थोड़ा ढंग का लगता है, मैंने सोचा था पहले टैंक पे लिखवाने का, बट मैं टैंक बैग कैरी करने वाला हूँ तो ये बेकार हो जाएगा, वो तो ढक ही जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता लिखवाने का, तो इसलिए भाई मैंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह पर लिखवाते जहाँ पर वो विजिबल हो। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं अपन घर की तरफ, एंड डीबी कलर के साथ ना भाई बाइक इतनी शांत हो जाती है क्या ही बोलूं मैं। फुल ऑन चेकिंग चल रही है दबाकर। अभी हमें शाम ऑटो में कुछ पुलिस वाले मिले थे यार, वो बहुत कूल थे, बहुत अच्छे थे। कुछ पुलिस वाले यार सच में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बिल्कुल मस्त बिंदास होकर बोल रहे थे यार कि देखो एग्जॉस्ट वगैरह तो अलग चीज़ होता है, बाकी देखो आपने भाई पैसे दिए यार इस चीज़ के लिए, बस यही है कि डीबी कलर लगा कर चलाओ, थोड़ा कम लाउड हो तो ज़्यादा बेटर है भाई। 1,50,000 रुपये लग जाते फुल सिस्टम कराने के, मजाक थोड़े ना यार, अगर आप 1,50,000 रुपये लगा कर भी पुलिस से डर डर के चलोगे तो फिर क्या ही मज़ा इस एग्जॉस्ट का। A few moments later. तो अभी घर से निकल के सीधा वापस हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव, एंड क्यों आए हैं वो आपको बाइक रोकते हैं पहले फिर आपको बताते हैं। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हो भाई ये आ चुका है भाई हमारा, ये भाई मैंने पहली बार इसको हाथ में लिया है। भाई ये कितने का सेटअप है? 45 का और कैमरा लगा के 1,00,000 रुपये का हो जाता है ना। तो दीज आर कस्टम FPV ड्रोन्स, और भाई इसके लिए भाई प्रो बनना पड़ेगा इसकी तरह, वरना नहीं होने पाला। और भाई कितने क्रैश हुए अभी तक सीखने में? 5 से 10 क्रैश हो चुका है, गोप्रो भी जा चुका है। मैं इसका ना भाई इंस्टाग्राम पे आप लोगों को दिखा दूंगा स्टोरी रीशेयर करके, जो लोग ने अभी वीडियो देखा उसको मैं दिखा दूंगा भाई इंस्टाग्राम पे कि कैसे इसने क्रैश किया था। जिप्सी के नीचे आ गया था पूरा इसका ड्रोन, जिप्सी के नीचे, वो भी भाई कहाँ पे पता है? स्पीति में है ना भाई।
तो कुछ ऐसा सीन हुआ था। और ये देखो भाई, ये देखो ये क्या है भाई, मतलब ये सब चीज भाई हमें कब आएगा मेरे पास पता नहीं भाई, धीरे धीरे करके सीखेंगे जरूर। बट इसके लिए ना भाई सबसे बड़ी चीज़ है बहुत अच्छा खासा स्पेस चाहिए। वैसे ये DJI का आप देख सकते हो, लेके बस रख दी। हाँ मतलब ये पॉइंट ही है ना कि भाई इससे खुद का शूट नहीं कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो इसको सेटअप करेगा भाई एंड उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे FPP शॉट्स भाई। तो अगर आपने ये वाला GoPro अभी तक देखा है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ, दिस इज GoPro 10 बोन्स जो कि FPP के लिए आता है भाई। बहुत ही लाइट वेट है। कितना वेट होगा भाई इसका लगभग, कितना वेट होगा? 53 ग्राम्स का ओनली, 53 ग्राम्स का है। बट ये वाला भारी है, ये आप देख सकते हो। ये कौन सा भाई? 11 ब्लैक मिनी भाई, ये भी इंडिया में बहुत कमी बिकता है, ये आप देख सकते हो। फिर भी बहुत कम मिलता है, मिनी कौन यूज़ करता है। बाकी ये देख सकते हो पूरा FPV का यहाँ पे सेटअप वगैरह हो रहा है फिलहाल, पूरा सेटअप हो जाने देते हैं। और भाई यहाँ पे ड्रोन क्रैश हो चुका है, ये देखो भाई, ये 1,00,000 रुपये गया, क्रैश हो गया पूरा का पूरा ड्रोन भाई, एक शॉट के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ एक शॉट के चक्कर में। कुछ हुआ तो नहीं, बस शायद इसका ये निकल गया, ये निकल गया इसका बैटरी, निकल गया ये कनेक्टर। नहीं ऊपर ही गिरने लगा। चलो लेके चलो उसके पास, चलो आ रहे हैं। ये पकड़ो भाई, पता क्या लगा कि आपने लग गया? नहीं ऊपर ही कुछ नहीं, बस एक जो प्रोपेलर के नीचे का जो होता है ना मोटर के कॉर्नर वाला, उस पर एक डेंट आया, बस हाँ बस उसी पर डेंट आया। कैसे सीधा डायरेक्ट गिरा भाई? नहीं मेरे थोड़ा सा आगे गिरा था, वो पूरा फ्लिप करके गिर गया भाई। हम देख रहे थे थोड़ा ऐसे हो रहा था, हाँ वापस लाने की कोशिश की, उतने में गिर गया। नहीं मेरे को लग रहा तुम ऐसे ले जाकर जैसे यूटर्न ले रहा था ना, उसी में फ्लिप कर गया। बीच में मोटर बंद हुआ या कुछ तो हुआ? अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसका बैटरी निकल गया। नहीं वो तो गिरने के बाद निकला होगा। नहीं मेरे को लग रहा है ऊपर ही निकल गया था बैटरी। हाँ भाई सीरियसली बता रहे भाई, लग रहा है उसमें भाई दिक्कत है, पता है यही वाला उड़ा रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, कैसा लगा 1,00,000 का फटका? अरे होते रहता। अरे भाई बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बंदा, अभी देखो एक FPV क्रैश होने के बाद भी बोल रहा है ये दूसरा उड़ाते है। देखो एक क्रैश हो चुका है और ये बोल रहा है इस वाले को उड़ाते दूसरा, इतना गट्स होना चाहिए। देख सकते हो गाइस इसका शोल्डिंग निकल चुका है जिसकी वजह से भाई ये क्रैश कर गया, पूरा हाल देख सकते हो। अभी हमने आपको ये भाई GoPro दिखाया था बिल्कुल अच्छे कंडीशन में, 11 मिनी जा चुका है, कोई बात नहीं भाई फिर से लगाते हैं दूसरा, सेकंड अटेम्प्ट लेते भाई इसको लगा कर। चलिए ओके, निकल चुके हैं भाई हम लोग सेकेंड अटैम्प करने, एंड सच बताओ तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, रीटेक करना मतलब क्रैश के बाद फिर से फ्लाई करना बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए गट्स और पैशन दोनों चाहिए। तो भाई ने उड़ाया फिर से शॉट लेने के लिए, देखते कैसा आएगा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all got dreams. भाई लोग इतना ज़्यादा भीड़ हो गया सिर्फ FPV शॉट के चक्कर में, क्योंकि ना एक तो FPV वाला ड्रोन जो है बहुत ज़्यादा ही साउंड करता है, लाउड काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर अपन मैक्स को यहाँ से निकाल रहे हैं, ये देखो भाई कैसे चला रहे लोग। हाँ भाई ले लो। आई होप अभी आपने FPV शॉट्स इन्जॉय किए होंगे, एंड अभी भाई हम लोग FPV फ्लाई करके वापस जा रहे हैं घर की तरफ,
फिलहाल भाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ से निकल जाया जाए। देखो यार, हम लोग मस्त एक शॉट लेने आए थे क्योंकि हमें राइड पे जाना है, तो हमने सोचा था कि कुछ क्लिप्स आ जाएंगे जो कि हम ड्यूरिंग राइड भी यूज़ कर पाएंगे, कुछ ऐसे FPV शॉट्स। सोच रहा हूँ मैं भाई कुछ एक अच्छा सा इंट्रो बनाने का, तो अगर ऐसा बन गया तो भाई अगर अच्छा ढंग का शॉट आएगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी भाई आपने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, साथ ही साथ हमारा भाई एक FPV ड्रोन भी क्रैश हो गया, तो इसका सीरियसली कोई आइडिया है नहीं, मैं एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ। बाकी जिनकी भाई ड्रोन है भाई समीर भाई बता पाएगा भाई कितने की इसमें एक्सपेंस आने वाली है। और साथ ही साथ भाई आप सबको मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो कभी भी ना आपके अंदर एक पैशन अगर किसी चीज़ का होना तो उसको भाई फॉलो करना चाहिए, पैसा तो आप खुद कमा लोगे। देखो अभी आपने देखा इसने भाई क्रैश किया फिर भी ड्रोन फ्लाई कर रहा है, तो ये इसके अंदर पैशन था तभी कर रहा है। अगर भाई कोई बंदा यहाँ पे पैसा देखता तो वो सोचता भाई एक क्रैश हो चुका दोबारा क्यों ही लो। तो भाई हमने सोचा कि चलो एक बार इतना मेहनत करके आए हैं इतने दूर भाई शॉट वगैरह लेने, अगर अच्छी शॉट आ जाती तो अच्छी बात है, होपफुली भाई शॉट आपको पसंद आए होंगे। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हो अभी हम लोग घर जा रहे थे बट आ चुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, भूख लग गया कैफे आ चुके हैं इसका, भाई हम लोग अभी देख रहे हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई कितना लगने वाला है? 10,000 तो आराम से जाएगा? नहीं उससे कम में हो जाएगा? कुछ टूटा नहीं है होपफुली। भाई इतने हाइट से गिरा भाई फिर भी कुछ टूटा नहीं, बस प्रोपेलर चेंज करना होगा। प्रोपेलर चेंज करेंगे तो हो जाएगा शॉर्टेड। और ये बता रहा हूँ ना ये माउंट टूट चुका है और ये माउंट वगैरह ये वगैरह चेंज हो गया और थोड़ा शोल्डर वोल्डर निकला है कुछ, मतलब अगर भाई अंदर से मेजर डैमेज नहीं हुआ तो फिर सस्ते में निपट जाएंगे है ना, वरना फिर मोटा फटका लग सकता है। एज एक्सपेक्टेड भाई, भाई ने 4-5 बार पहले भी क्रैश किया है तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, बाकी देखते भाई। और GoPro वो वाला तो बैग में रख चुका है, बाकी ये दूसरा GoPro हमने अभी माउंट किया था, फुटेज तो आपने देखा ही। तो अभी मस्त बैठ के यहाँ पे पहले पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, शेक वगैरह ऑर्डर किया, खाते पीते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे ऐसे सीधे घर की तरफ। बाकी ये जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, हैव अ लुक भाई क्या प्यारा व्यू है यहाँ से। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। बाकी आप सबको पता है भाई FPV शॉट के लिए भाई इतना मोटा फटका लगा, तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना। अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ राइड हार्ड।